तो और मेरे भाई लोग यार फिर से आप सभी का स्वागत है कतई भाईदार गेम प्ले वीडियो में। और मेरे भाई इस वाले गेम प्ले वीडियो को तुम पूरा देखना, और इस वाले गेम प्ले वीडियो की बात करें तो तुम देख सकते हो ओल्ड बेसिन उतर रखे हैं। इस वीडियो में तो होता रहेगा जो होना होगा, लेकिन पहले एक बात कर लेते हैं ना। मैंने कहा था भाई पिछले वीडियो में भाई तुम्हें कमेंट करना है, और भाई साहब तुमने बहुत ज़्यादा भाई कमेंट कर दिया, और मैंने लगभग सभी मतलब कमेंट्स का रिप्लाई कर दिया है, और जिनका बच रहा है उनका भी कर दूंगा, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो इस वाले गेम प्ले की बात करें तो यहाँ पे उतर रखे हैं, और उतरने के साथ हमें गन नहीं मिली, लेकिन अब मिल गई है भाई। और इस वाले बंदे को जैसे निपटाया ऊपर एक और बंदा आ जाता है अभी, तो इसको भी निपटाते हैं हम जल्दी से। देख रहे हो भैया तुम्हारा भाई कति प्रो बन रहा है यार आजकल, कति एक भी एचपी का डैमेज नहीं पड़ा। और इस बार बंदे को भी निपटा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे भाई डबल लेके हम ले लेता हूँ। और देखो भैया पबजी के नशे भाई कति पेटी नीचे चले गई, लेकिन चलो भाई लूटने का ऑप्शन तो आ रहा है कम से कम। तो उसके बाद इसकी पीपी मैं उठा लेता हूँ, क्योंकि भाई मतलब एमओ कम थी यार एकेएम की। तो उसी के बाद तुम्हें भैया और फुटस्टेप भी आ रहे होंगे, लेकिन ये थे हमारे बॉर्ड दादा जो कि अपने ससुराल भगे भगे जा रहे थे। और यहाँ पे मुझे एक एम की एमओ मिल जाती है। और इस वाले गेम प्ले में बहुत बुरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरी पिंग तुम देख सकते हो मतलब 250 से ऊपर की पिंग आ रही है, और काफ़ी लेट लेट हो रहा था सब कुछ। और मुझे भैया ज़्यादा पिंग में खेलने की बिल्कुल भी आदत ना है भाई, मुझे क्या किसी को भी नहीं होगी आदत। तो आगे की साइड जाता हूँ, फिर ये वाला बंदा दिखता है, और यहाँ पे तुम्हारा भाई लगाने वाला है कते अपना 10 IQ। तो सबसे पहले तो मैं बंदा दिख ही गया होगा, और अब दूसरे वाले कमरे में चला आता है बंदा। और यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी था, और मैंने इसको काफी सारा डैमेज दे दिया। और चचा हमारे भाई हेल्थ लगा रहे थे, तो इनको तो निपटा दिया। उसके बाद भाई एक और बंदा भाई रश कर जाता है, और मेरे भाई ये वाला सीन अगर तुम्हें पसंद आया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब का बटन को दबा दो। और यहाँ पे भाई सारे के सारे बंदे मैंने फिनिश कर दिए मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन भैया जी जैसे मैं हाथ लगाने लगा एक बंदा और आता है यहाँ पे। पहले तो मुझे लगा भैया बॉट है, लेकिन यहाँ पे ग्रेनेड की पिन खींचता है बंदा, और मुँह पे ग्रेनेड गिरा, और मेरे भाई वही सीन हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था। साला दरवाज़ा खुला ही नहीं, क्योंकि पिंग हाई थी ना, ऐसे भाई बहुत जल्दी खुल जाता है दरवाज़ा। तो कोई बात नहीं, उसके बाद एक और गेम स्टार्ट किया, इसको भी तुम देखते रहना। और एक और बात भाई, और भाई यार आज तुम नोटिस कर रहे होंगे कि आज मैं भाई ये वाली ड्रेस पहन रहा हूँ, और ऐसा क्यों है मैं बताता हूँ यार। मतलब जो मेरी पुरानी वाली आउटफिट ना जिसको मैं रोज़ पहनता था, वो भाई बहुत ज़्यादा मैली हो रखी थी, क्योंकि एक साल से उसी को रगड़ रहा था। तो आज मैंने फाइनली उसे धोया और लॉबी में सुखाने के लिए रख दिया है, और यार भाई कल आराम से वो सूख जाएगी और तुम्हारा भाई भी पहन लेगा। तो उसके बाद इस वाले गेम प्ले की बात करें तो यहाँ पर भाई मैं डुओ वर्सेस डुओ खेल रहा था, और ये बंदा पता नहीं कौन ही था, रैंडम था बिल्कुल। तो उतरते भाई तुम्हारे भाई को मिल जाते हैं UMP, और सामने बंदा है। तो इसे मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन नहीं मर पाता, और तभी दिखता है ये वाला बंदा। और मिस्टर डायनमो भैया तुम्हारी गलती क्या थी हम तुम्हें समझाते हैं यार। तो इस वाले मतलब बंदे ने ये वाले कपड़े पहन रखे थे जो कि तुम्हारे भाई को भाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वाले बंदे को जल्दी से मारते हैं और इसके कपड़े उठाते हैं भाई। तो उसके बाद मैं इसके कपड़े उठा लेता हूँ, और तभी देखना क्या होगा। ये वाला बंदा भगा भगा आता है और मेरे मुँह के सामने आके नॉक हो जाता है। तो इस वाले बंदे को मैं फिनिश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन साला एमओ ही खत्म हो जाती है। और तभी भाई जिस बंदे ने इसको नॉक किया था वो वाला बंदा मेरे पे रश कर जाता है। और भैया जी टीममेट को देख रहे हो कभी किल चुराने के लिए उतावला हुआ जा रहा था, लेकिन हमने नहीं चुराने दिया। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लूटता हूँ, और इस वाले बिल्डिंग में भी एक बंदा होता है। और देख सकते हो तुम भाई टीममेट कितना ज़्यादा बड़ा हरामी है, साला किल चुरा गया मेरा। तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था, तो मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ, और यहाँ से मैं बगी उठाता हूँ, और यहाँ से मैं निकलने वाला था, लेकिन यहाँ पे मुझे भाई एक बंदा दिखता है। मुझे पहले लगता है कि साला बॉट है, लेकिन बंदा था भाई। और अभी मुझे लगता है कि एक ही बंदा है मार देंगे इसलिए, लेकिन होते हैं भाई दो दो बंदे। तो अभी दोनों साइड से वो दोनों बंदे मेरे पे रश कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हो जाता है तुम्हारा भाई नॉक, और नॉक तो होना ही था क्योंकि तुम देख सकते हो दो दो बंदे एक साथ फायर करेंगे तो इजीली मैं नॉक हो ही जाऊँगा। और एक बंदे को तो मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था, लेकिन अब मेरा टीममेट संभाल लेता है और इन दोनों को निपटा देता है। उसके बाद ये आता है और रिवाइव करता है और बचा लेता भाई। तो उसके बाद मैं इसको गाड़ी में बैठा के यहाँ तक ले आता हूँ, और यहाँ पर भाई फ्लेयर चल रखी थी और इस वाले मतलब बिल्डिंग में था बंदा, और फुटस्टेप भी आते हैं तो हम दोनों कतई इंटेलिजेंट की तरह भाई इस बिल्डिंग के अंदर चुपचाप से घुस जाते हैं। और देख रहा भाई मेरे टीममेट को कितना उतावला हो जा रहा भाई किल लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं भाई सर्च करता हूँ पूरी जगह, लेकिन नहीं मिलता बंदा। तो उसके बाद मैं दिमाग लगाता हूँ और मुझे पता लगता है कि बंदा तो अपने घर के ऊपर है। और यो तो भाई गलत बात है भाई, तुम ग्रोजा चला रहे हो भाई, तुम अभी M4 चलाना सीखो यार। तो इस वाले बंदे की ग्रोजा मैं जल्दी से उठा लेता हूँ क्योंकि मेरे टीममेट को तुम देख सकते हो। तो भाइ ग्रोजा लेने के बाद मैं नीचे आता हूँ क्योंकि सामने साइड में बंदे होते हैं जो कि बहुत गंदा वाला डैम, बहुत गंदा तो क्या, एक आध गोली चेपते हैं। और उसके बाद मैं हेल्थ लगाता हूँ और उन वाले बंदों पर रश कर जाता हूँ। अब और भैया जी मुझे क्या पता था भाई इस वाले बंदे पे S12 क्यों गिने, तो मैं तो साला आता ही नहीं, आता तो भाई टीममेट को साथ मिला था। तो उसके बाद यहाँ पे मैं चुपचाप बैठ के हेल्थ लगा रहा था और हेल्प चिल्ला रहा था, और भाई मेरा टीममेट नहीं आता भाई, बहुत हरामी था साला। तो S12 के वाले बंदे का टीममेट पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था, लेकिन भाई जो भी हो बाहर निकल जाता है और इसको मैं पेल देता हूँ। उसके बाद इस S12 के वाले की बारी है अब। Enemy down. और मेरे भाई इसका किल ले जाता है हमारा टीममेट, तो कोई बात नहीं यार, मतलब हेल्प कर दी साले ने। तो उसके बाद मैं गाड़ी उठाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। इस बार मैं अपने टीममेट को साथ मिलना आया था क्योंकि भाई किल चुरा देते हैं साले। तो यहाँ पे क्या हो रहा था मैं तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पे भाई दो बंदे लड़ रहे थे जिसमें से एक ने एक को मार दिया, और जिसका किल तुम्हारा भाई चुरा लेगा। और उसके बाद भाई उस बंदे की बारी थी जिसने इसको नॉक किया था भाई। तो भाई साहब इन वाले चचा को निपटा देता हूँ, लेकिन देख रहो भाई टीममेट कतई अपने किल चुराने के लिए आ गया था, लेकिन भाई उससे पहले मैं इनको निपटा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ क्योंकि यहाँ पे जोन बन रखा था और यहाँ पे एक बग्गी दिखती है, तो मुझे पता लग जाता भाई ऊपर बंदा हो सकता है। और इन यूट्यूबर भैया को देख रहे हो कति हम AWM से मारने की कोशिश करते हैं पहले, लेकिन उसके बाद गन स्विच तब तक करते हैं जब तक हम इनको निपटा देते हैं। और इनकी WWM अब हम चुरा लेंगे। और उसके बाद भाई नीचे की साइड में एक बंदा है जो कि लास्ट बंदा है, तो अभी तो मुझे नहीं दिख रखा था, लेकिन मेरा टीममेट उस पर एक दो गोलियां मारता है और मुझे दिख जाता है भाई बंदा। यहां पे भाई मार का आता है, तो उसके बाद इस वाले बंदे को निपटाते हैं अब। और यो वाला हेडशॉट कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो तुम, और लाइक करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अगर लाइक करोगे तो मुझे पता लग जाएगा भाई तुम्हें अच्छा लगा है। तो उसके बाद भाई एक और गेम स्टार्ट करता हूँ, और इस वाले गेम प्ले को भी तुम जरूर से जरूर देख के जाना, तुम्हें मजा आने वाला भाई। और गेम प्ले की बात करें तो 16 vs squad का है, और देख सकते हो भाई गोल्ड मशीन में आ रखे हैं और तीन तीन बंदे आ रखे हैं, तो तीनों को निपटाते हैं अब जल्दी से। तो इन बंदों को तो बाद में निपटाएंगे, पहले गन तोड़ लेते हैं, टोल मतलब ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले AK मिलती है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा भाई। तो थोड़ी देर लूटने के बाद तुम्हारे भाई को M4 मिल जाती है, और उसके बाद भाई एक बंदा रश कर जाता है मेरे पे। तो बड़े उछले उछले आ रहे थे, तो इनको भाई उछला उछला के हमने भेज दिया है। और ये मतलब पहला वाला बंदा था ना, तो इसने भाई ग्रेनेड तो ऐसे फेंका था मेरे मुंह पे जैसे कि भैया लड्डू हो। तो उसके बाद इस वाले बंदे को भी फिनिश करते हैं, और इनके लास्ट वाले टीममेट की बारी है, इसको भी ढूंढना पड़ेगा यार। तो इनके टीममेट को तो बाद में ढूंढेंगे, सबसे पहले हेल्थ तो लगा लें। Enemy.
तो इनके टीममेट को ढूंढता ढूंढता मैं यहाँ पे आता हूँ और पता लग रहा है कि भैया ये तो असली हरकतें कर रहे हैं भाई बॉट के साथ। कभी बॉट के साथ चिपक के पता नहीं किस कुछ कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। तो बॉट को तो मैं निपटा देता हूँ और इस वाले बंदे को भी बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया था और इसको भी निपटा देता हूँ इजीली। तो उसके बाद इस वाले बंदे को फिनिश करते हैं और लूटते हैं और एक आध बॉट आता है भाई और तो उसको भी पेल जाते हैं। तो यहाँ पे भाई बॉट बुट पेलने के बाद तुम्हारा भाई आ जाता है थर्ड हिल में, क्योंकि यहाँ पे बंदे आए होंगे ऐसा सोचा था मैंने और आए भी थे भाई बंदे, तो निपटाते हैं भाई सबको। तो फिलहाल तो मुझे इतना पता था कि यार यहाँ पे बंदे हैं क्योंकि दरवाजे खुल रखे हैं, और ऐसा नहीं पता था भाई मेरे घर के छत पे भाई कोई बंदा बैठ रखा है। तो इन वाले चचा को तो निपटा देते हैं, उसके बाद भाई इनको फिनिश करते हैं। और स्कोप को देखो भाई अकत ही पोलियो रखा है, तो इस वाले स्कोप के ग्लिच को भाई मैं फिक्स करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था भाई ये फिक्स हुआ ही नहीं है। तो उसके बाद भाई इस वाले घर पे आता हूँ और यहाँ पे था उसका टीममेट, और टीममेट तो बाद में मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे एक बॉट दादा अपने प्रदर्शन करते हैं और बॉट दादा की प्रदर्शनी हो जाती है ख़त्म। उसके बाद इस वाले बॉट दादा को फिनिश करना पड़ेगा, तो बॉट दादा हो चुके हैं हमारे फिनिश। उसके बाद भाई इसका टीममेट भी आता है, टीममेट को तो बाद में मारेंगे, सबसे पहले UMP उठाता हूँ मैं। और ये भी मुझे लगा ना था इस बार अपन को निपटा पाऊंगा। उसके बाद भाई स्कोप को देखो कतई इसको भी पोलियो रखा है, और उसके बाद भाई यहाँ पे इसको लूटता हूँ, उसके बाद इसके टीममेट को लूटता हूँ, और यहाँ पे भाई क्या होने वाला अब तुम्हें सुनो जरा। मैं यहाँ पे भाई हेल्थ लगा के बाहर की साइड में जा रहता हूँ, तभी भाई कोई बंदा फायर करता है और भाई यहाँ पे इस बार बंदे को नॉक कर देता है। तो इस वाले बंदे को तो मैंने मतलब फिनिश कर देता हूँ, लेकिन अभी जो बच रहा था ना वो वही था इनका टीममेट था, ठीक है, जो कि भाई बदला लेने की फिराक में था और तुम्हें सामने दिख गया और नीला नीला। तो भाई बहुत ज़्यादा देर तक मैं यहाँ पे टीपी भी खेलता हूँ उसके साथ, और उसके बाद एट लास्ट वो जोन में निकल जाता है और मैं भी जोन में निकल जाता हूँ अपनी गाड़ी लेके। तो उसके बाद यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे भाई इजली गाड़ी ठोकता हूँ और उसके बाद सामने साइड में जाता हूँ, और अभी तुम्हें देखने को मिलेगा बहुत बड़ा सरप्राइज। मैं यहाँ पे उतरता हूँ क्योंकि भाई रेड जोन बन रखा था और इससे मैं रिस्क बिल्कुल नहीं था, तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठता हूँ। उसके बाद भाई रेड जोन जब ख़त्म हो जाता है तो मैं अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आता हूँ, और भैया जी वो नीला नीला बंदा यहीं पे लेटा पड़ा है, तो मैं दिख रहा होगा पीछे। और मेरे भाई आम आदमी तो भाई सोच भी नहीं सकता कि साला यहाँ पे भी कोई लेटा हो सकता है। तो यहाँ पे जब मैं उतरा तब इसने फायर नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। तो उसके बाद मैं भाई गाड़ी लेके यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक ड्रॉप गिर रखा था जिससे मैं MK14 लेता हूँ। उसके बाद लास्ट जोन भी बन चुका था और लास्ट बंदा रह रहा था जिसे ढूंढता ढूंढता मैं यहीं पर आता हूँ, और अब जाके भाई मिल भी गया था मुझे। तो इन भाई पे थी S12 के, तो बच के रहना पड़ेगा भाई से। तो यार इसी साथ एक कमाल का चिकन डिनर, और तुमने देखा ही होगा यार मैंने बीच में भाई फायर रोक दिया था MK का, क्योंकि मुझे लगा साला मतलब 16 गोलियों खाने के बाद बंदा मर ही जाएगा, लेकिन पता नहीं कौन सा आर्मर पहन रखा था, आर्मर नहीं मतलब जो भी बोलते होंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चिकन डिनर हो चुका है, तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।